जिला प्रशासन के द्वारा महानगर के चौराहों का सौंदर्यकरण किया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि यातायात को सुगम व्यवस्था बनाने के लिए शासन का निर्देश आया था, जिसको देखते हुए सभी विभागों के साथ बैठक की गई है और इसमें नागरिकों व अधिकारियों के साथ सुझाव लेते हुए एक कार्य योजना बनाई गई है कि महानगर के सभी सड़क व चौराहों का सौंदर्यकरण किया जाए, जिसके तहत 5 जंक्शन को लिया गया है, जिसकी स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया था, उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा जीडीओ के द्वारा चौराहों का सुंदरीकरण किया जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक बाधित ना हो, उसमें ट्रैफिक बूथ, सीसीटीवी कैमरा, ई चलानी सहित अन्य व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे कि ट्रैफिक संचालन में किसी तरह की बाधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे यातायात सुगम व्यवस्था बनाने के लिए शासन से निर्देश था और उसी अंतर्गत हमने मोबिलिटी प्लान में अनेकों बैठक ली है अंतर्विभागीय समन्वय से, सभी का सुझाव लेते हुए, सभी जनमानस से भी और सभी स्टेक होल्डर से बैठक करते हुए एक कार्ययोजना बनाई है। उसमें एक प्रमुख स्ट्रैटेजी, प्रमुख घटक जो है कि हम स्मार्ट रोड्स और स्मार्ट जंक्शंस का इम्प्रूवमेंट कराएं, और उसके तहत प्रथम चरण में 5 जंक्शंस को लिया गया है, जिसको शासन से योजना भेजी गई थी और उसमें अभी स्वीकृति प्राप्त हो रही है और उसमें प्राधिकरण के माध्यम से अच्छी तरह जंक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा। ट्रैफिक डेंसिटी का अध्ययन करके ये कंसल्टेंट के माध्यम से किया गया है, जिसमें आइलैंड्स रहेंगे, ट्रैफिक बूथ्स रहेंगे, उसमें सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग रहेगी, ई चलानिंग होगी, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले होगा, वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे प्रॉपर चैनल्स रहेंगे, बे एरियाज रहेंगे, इस विभिन्न तरह के हस्तक्षेप वहाँ करते हुए अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए स्मार्ट जंक्शंस और स्मार्ट रोड्स बनाए जाएंगे। उसमें पेडेस्ट्रियन पाथवे से लेके ग्रीन बेल्ट से लेके अन्य चीज़ें भी विकसित की जाएंगी, ताकि आकर्षक भी लगे, एक सुगम व्यवस्था रहे और स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक रहे हमारे मोबिलिटी प्लान के अनुसार।